गोबी। अरे भाग्यवान यहाँ तो हटाओ। क्या गुरप्रीत मैम को भूख लग रही है तो उस वजह से खाली पेट में एसिडिटी हो रही है कि नहीं? एसिडिटी हो रही है। साफ साफ उनके पति ने ये बोला है कि उनके पेट में गैस हो रही है क्योंकि खाली पेट है। ऑब्वियसली बात है, खाली पेट मतलब गैस का होना, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। अभी हम सिटी बस में आया करते थे, यहाँ पे ऐसे जगह तो मिलती नहीं थी तो खड़े होके हम ऐसे आया करते थे। Kishpreet Vlogs, like, share, subscribe and watch. Kishpreet, welcome to Kishpreet Vlogs. Namaskar, आपका स्वागत है Kishpreet Vlog में। Hi guys, welcome to Kishpreet Vlog again. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप कम से कम बजट में आसपास की जगहों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज जो हमारी डेस्टिनेशन है, हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी। यहाँ से हार्डली 52-51 किलोमीटर्स के करीब है क्योंकि मसूरी में आज पैक्ड है, क्योंकि ये जो लंबा वीकेंड है तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरा पैक्ड हो रखा है। तो हमारी डेस्टिनेशन में चूज करी है धनौल्टी। गाइस, आज एलेक्सा हमारे साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि लंबा टूर है एंड ये थोड़ा सा बीच में परेशान भी हो जाती है ना एलेक्सा? आज आप घर पे रहोगे, आज अनमोल भैया के साथ, इसको मैं छोड़ूंगा अनमोल के साथ, तो आज हम इसको पटेल नगर प्रीति के घर पे छोड़ेंगे। हेलो सो गाइस, और जो हमारा इस ट्रिप में जो साथ देने वाले हैं वो वन एंड ओनली हमारे बेस्टीज हैं, हमारी कलीग हैं। तो हमारा जो इस ट्रिप में साथ देंगे उनका नाम है गुरप्रीत कौर एंड जतिन, मिस्टर जतिन मुनियाल। सो अभी हम लोग उनको पिक करेंगे। सो गाइस, पूरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि आप कम से कम बजट में कैसे मजा उठा सकते हैं ट्रिप का। मात्र 1500 से 1600 रुपए में आप स्टे भी प्लस खाना, कैसे? तो बने रहिए इस ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं आगे, बाय। सो गाइस, मैं नीचे आ गया हूँ और मेरे हाथ में सामान है, प्रीति एलेक्सा को लेके आ रही है। गाइज, कम बजट में आप कैसे धनौल्टी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो अभी हम लोग पिक करने जा रहे हैं गुरप्रीत मैम औरों को, चलिए मिलते हैं आगे। हेलो, प्रीति भी आ गई है, आजा। हेलो हेलो मेरा बच्चा, चोनी चोनी बाबा। यार यहाँ से आगे से चले, यहाँ मेन रोड से उधर से चलो, आगे से चलते हैं। सो गाइस, अभी हमें आगे से नॉन वेज लेना है और हम लोग ये प्रिपरेशन करेंगे गुरप्रीत नाम के घर में। आज का जो नॉन वेज है मैं बनाऊंगा, आज मैं कुकिंग करूंगा गुरप्रीत नाम के घर पे ही। सो गाइस, ये चिकन ले लिया है मैंने, एक आलू के लिए लिया है और एक हम लोगों ने अपने लिए ले लिया है। पहले हम लोग एलू को पटेल नगर में छोड़ेंगे अनमोल के पास, मम्मी जी के पास, तो आज ये शाम को यहीं पटेल नगर में एंजॉय करने वाली है। चलिए मिलते हैं हम आपको आगे गुरप्रीत मैम के घर। गाइस, वहाँ पे गाड़ी नहीं, ठीक है, वहाँ पे मैम की वहाँ पे पार्किंग नहीं है तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे लगा दी है। उनका घर है सारमूर चौक से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ पे तो पार्किंग की स्पेस है नहीं, तो गाड़ी हमने थोड़ा सा बैक हमने पीछे लगानी पड़ी हमने गाड़ी, और हम लोग वहीं जा रहे हैं मैम के वहाँ। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं गुरप्रीत मैम के घर और उनकी पहले शॉप पड़ेगी अंकल से। अंकल प्रणाम। ये जतिन जी। हेलो, गुड नून। अरे अर्नून, ये है गुरप्रीत नाम का बेटा हरनूर। तो फर्स्ट टाइम ये कश्मीर ब्लॉग में हमारे साथ ब्लॉगिंग में आ रहे हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में। सो गाइस, हम लोग ऊपर आ गए हैं और ये मैडम जी, हेलो, क्या हो रहा है? गुड नून। ये मैडम देखिए, आज हम घर से खाना बना के ले जाने वाले हैं धनौल्टी और
मैडम बना रही है वेज और मैं बनाऊंगा नॉन वेज। आप रेडी नहीं हुए अभी तक? नहीं, बस होने जा रही हूं। मैडम आप क्या कर रहे हो? मसाला भून रहा है। मैडम नहीं करेंगे चिकन की तैयारी, सर करेंगे। सर करेंगे चिकन की तैयारी, हम जाएंगे तैयार। सर सर मैम खर्ची लाएंगे, सारी चॉपिंग कटिंग तो ये तो हमारा काम है। ये गलत बात है, आप तैयार होके आए हो और हम चाकू ले लो। क्या अभी मैंने कहा लेट हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं करूंगा हैं, मैंने कहा लेट हो जाएगा तो इसलिए मुंह से रेडी हो गई। ये तो है कि मुंह से छोड़ो, छोड़ो कि सेल वाला काम गोभी। हेलो फ्रेंड, तो हम लोग पहुंच रहे हैं गुरी मैम के घर में, एक्चुअली गुरप्रीत मैम के घर पे, और किशले की यहाँ प्रिपरेशन। अरे भाग्यवान ये हाथ तो हटाओ। स्टार्ट हो गई है चिकन की और बन भी गया है। वो अलग बात है कि सब कटिंग चॉपिंग मैंने करके दी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किशले क्या कर रहे हैं। हेलो, और मैं देखिए धनिया को मैं कैमरा यहाँ पे लाइए, धनिया डाल रहा हूँ फिलहाल। अभी मेरा मसाला हो चुका है रेडी, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है आपका मसाला। यस, टाइम देना पड़ता है मैडम, ये ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, टाइम देना पड़ता है। ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, हाँ लेट हो रहा है, होनी चाहिए कुकिंग में भी। माय गॉड। यस, सो गाइस ओवरऑल डन हो चुका है। यहाँ पे गोभी की सब्जी भी बन चुकी है। यस, ये गुरप्रीत मैम ने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। जी 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 जी, वहाँ पीछे मैम कह रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है, गोभी हिला दीजिए। गोभी को हिला देते हैं, थोड़ा सा नमक कम हो रहा है, नमक डाल के देखते हैं थोड़ा। दिन दिगाड़े काम बिगाड़े कहते हैं ना, अभी मैंने दो बार डाला है। और मैं अब इसमें डालूंगा थोड़ा सा, कुछ मुझे कम लग रहा है चिकन मसाला। मैंने इसमें डाल दिए पीस, अब इसको करेंगे मिक्स। अब इसको करेंगे मिक्स। गाइस मैं बना रहा हूँ होम स्टाइल चिकन, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। होम स्टाइल की बात ही अलग होती है गाइस। टेक फर्स्ट, तो जैसे ही बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक बार इसकी शक्ल। टेक सेकंड, जैसे ही बनेगा मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगा एक बार। ओके डन, गुड शॉट। सो गाइस मेरा नॉनवेज हो गया रेडी, प्रीति और गुरप्रीत मैम गए हैं मार्केट, और ये देखिए छुटंकू गमली 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 गमली। हेलो मां, हां जी, हाय कर दो। और ये भी रेडी हो गया, तो चलिए मैं देखूं नॉनवेज की स्थिति क्या है अभी। सर एक पढ़िए कैम को। वाह वाह, ये देखिए और हमारा नॉनवेज हो गया रेडी। गाइस होम स्टाइल की बात ही अलग है, क्यों सर क्या कहते हो? ये तो है होम स्टाइल ही होता है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे और इसको हम कैसरोल में पैक कर देंगे, क्योंकि इसको जाना है हमारे साथ धनौल्टी। तो आइए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बनिया डाल के फिर जब निकलेंगे तब हम आपसे मिलेंगे। सो गाइस हमें काफ़ी लेट हो गया और निकलने में, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। बैठो बाजी, ड्राइव करूँ? कर लें, आपने कर लें, कर लो, बैठे जी। हाँ, हेलो, ओह माय गॉड, हमारी गुर्री मैम को दिखा दो जरा। अब मैं फाइनली रेडी हो गई, अब रेडी हो गया, ये हमारा मटकू भी रेडी हो गया है। टुन्नू, टुन्नू, वो दादू, 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 नूरी, अनूर, अनूर, बाय बाय, बाय बाबा, बाय बाय अभिमान, बाय शिवम, बाय बाय। चलो गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग अंधेरे अंधेरे में ही पहुंचेंगे आज भी। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग धनौल्टी एक साथ जा रहे हैं। हम इससे पहले लगभग दो तीन साल पहले गए थे, चार साल पहले हम लोग इससे पहले गए थे। और ये घुन्नी भी बीच में बैठा है, देखो घबली। चलिए तो हम रास्ते से अगेन आपको रूबरू करते रहेंगे और मैं बताते रहूंगा आपको आप कम बजट में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच गए जाखन और
राजपुर रोड का तो आपको बताइए, देहरादून के मौसम का आपको बताइए, यहाँ पे हो रही है बारिश यार, वाह मजा आ गया देख के। ये देखिए प्रीति से रहा नहीं जा रहा है, वो हर्षोल्लास उसको प्रफुल्लित हो रही है, हर्षोल्लास से चेहरे पे नूर आ रहा है, हर नूर के भी चेहरे पे नूर आ रहा है, नूर की बोतल। गुरप्रीत मैम के पेट में चूहे कूद रहे हैं, गैस बन रही है खाली पेट। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो बोलिए, बताइए, बोलिए किस बारे में, क्या गुरप्रीत मैम को भूख लग रही है तो उस वजह से खाली पेट में एसिडिटी हो रही है कि नहीं? एसिडिटी हो रही है। साफ साफ उनके पति ने ये बोला है कि उनके पेट में गैस हो रही है क्योंकि खाली पेट है। ऐसी बात है, खाली पेट मतलब गैस का होना, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। मजाक कर रहा हूँ लेकिन सच यही है। ये देखिए क्या सही टाइम पे हम लोग निकले हैं दोस्तों, ये स्कॉलर जोन, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। देखिए अभी हम सिटी बस में आया करते थे, यहाँ पे ऐसे जगह तो मिलती नहीं थी तो खड़े होके हम ऐसे आया करते थे। बहुत ही सुंदर नजारा। तो गाइस हम लोग भराने आए डीजल, इससे ऊपर फिर कोई पेट्रोल पंप है नहीं। हाय गाइस हम लोग अभी हाईवे पॉइंट में ही हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि जल्दीबाजी में सब लोग चले गए थे, गुरप्रीत मैम और भी मार्केट चले गए थे, तो हम लोग मैगी पॉइंट में रुके हैं और हमने ऑर्डर की है मैगी। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि आज वेदर इतना अच्छा हो गया और बारिश का मौसम हो गया। और ये देखिए देखिए नज़ारा, फॉग फॉग एंड बारिश। मेरे कैमरे की बैटरी भी जा रही है तो बस इतना ही रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी थोड़ा सा आगे से देखूंगा। मुझे लगने लगा कि मैं ज़्यादा आज कैप्चर कर पाऊँगा, टाइम और बैटरी दोनों लो हो गई है। सो गाइस मैगी आ चुकी है और ये लोग एकदम टूट पड़े हैं, हर नूर मेरी गोद में है। बारिश पड़ रही है भयंकर वाली, हम भी लोग हैं, भयंकर बारिश पड़ रही है, बूंदे आ रही है पीछे से, मैं तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मैगी खा के और प्रीति मेरे पे भड़क रही है पता नहीं क्यों। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हम जिस जगह रुके थे और किसी बात है वहाँ पे कुछ फूल की कलियाँ भी आई हुई थी, ये फूल की कलियाँ थोड़ा बहुत आंखों के सामने कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन मेरी बेबी का कहना है, प्रीति का कहना है कि मैं उनको देख रहा था, ये बात कहाँ तक सच है बेबी, बताओगे आप जरा लोगों को बताओगे? ये देखिए ये लोग हैं जो आग में घी डालते हैं, मेरे को फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है यहाँ पे। अभी तक बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब जैसे कैमरा खुला तो चपड़ चपड़ बंद हो गई मैडम की। गाइस मैंने अब कसम खा ली है कि ऐसी जगह पे रुकूंगा ही नहीं जहाँ पे भीड़ होगी। अब मैगी पॉइंट एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है, वो भी वीकेंड में, ऐसी जगह रुकूंगा तो चार फूल की कलियाँ आ गई वहाँ, ये फूल की कलियाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब 10% आप मतलब वो, मैं चलिए टॉपिक चेंज करते हैं इसको। Kishpreet blog, like, share, subscribe and watch. Kishpreet, 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 welcome to Kishpreet blog.